हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्शन रिएक्शन। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त फारुख मुगल। स्टिल यू डिड नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अभी जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो एक रिएक्शन की वीडियो है और बॉलीवुड मूवी के ट्रेलर का हम आपको देंगे रिएक्शन। और जो है मूवी का नेम है बा बा ब्लैक शिप। और जो है पहले हम देखेंगे ट्रेलर और उससे मेरा रिएक्शन, और उसके बाद हम आपको देंगे शॉर्ट रिव्यू इस फिल्म एंड इस ट्रेलर के हवाले से। तो आइए चलकर देखते हैं पहले मूवी का ट्रेलर और उससे मेरा रिएक्शन। हर बाप यही चाहता है कि उसका बेटा उसके नक्शे कदम पर चले। लाइफ में कुछ करना ही नहीं करना, कुछ नहीं करना तो कम से कम बाप की तरह काजू ही बेच ले। ये करना मुश्किल था। एक छोटी सी डिटेल बताना भूल गया, हम कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं, 12 पुश्तों से, तुम तेरी हो। हमारा शर्मा खानदान जो है वो हिस्ट्री का एक हिस्सा है, हम किसी बेकसूर को नहीं मानते। बॉन्ड, मैं इसकी वैसा नहीं बनना चाहता, मुझसे लोगों की जान नहीं ली जाएगी। पब्लिक मर्डर से घबराई हुई है, एक मैं पकड़ा जाए तो मैं जीतने के लिए चीटिंग कर सकता हूँ। एक 50 साल पुरानी कीमती पेंटिंग है, किसी सेंटा क्लॉज नाम के आर्ट डीलर के पास है। मैं शादी करूंगी तो बाबा से करूंगी। सिंड्रेला की शादी ब्लैक शीप से नहीं हो सकती। जब घर की दीवारों में दीमक लग जाता है तो हम जैसे पेस्ट कंट्रोलर्स को बुलाना ही पड़ता है। लेट द गेम्स बिगिन। तू मुझे किडनैप करने आया, ये तुझे किडनैप करने आया, इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड यार। म्यूचुअल सेटलमेंट करके डिसाइड क्यों नहीं कर लेते? रहा तो काम से रिटायर हो जाऊंगा और नहीं रहा तो जिंदगी से। ये अच्छी खासी थ्रिलर फिल्म में इनको ये इमोशन मारने की क्या जरूरत है? मौका चाहिए बाबूजी बनने का। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखा मूवी का ट्रेलर और मूवी का नेम था बा बा ब्लैक शिप और साथ साथ आपने उस पर मेरा रिएक्शन देखा। अब हम आपसे बात करेंगे इस फिल्म के हवाले से और ये कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म को लिखा है विश्वास पांड्या ने और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है कृष्णा डल्टा ने। और जो है इस फिल्म को और साथ साथ प्रोड्यूस किया है आनंद अग्रवाल ने और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है विश्वास पांड्या ने। और जो है इस फिल्म में लीडिंग रोल में जो आपको ट्रेलर देखकर ये आइडिया हो गया होगा मनीष पॉल हैं, अनुपम खेर हैं और मंजारी फितनेस हैं। और इस फिल्म का स्क्रीन प्ले दिया है संजीव पुरी ने, विश्वास पांड्या ने। और इस फिल्म के जो डायलॉग हैं वो लिखे हैं संबिज पुरी ने और विश्वास पांड्या ने। और अब हम आपसे बात करते हैं इस मूवी के ट्रेलर के हवाले से। तो बहुत ही क्यूट सूट सा कमाल का मूवी का ट्रेलर था और जो है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के लग रहे हैं इसमें मनीष पॉल। और जो बहुत मज़ेदार किस्म की मूवी होने वाली है और कॉमेडी क्यूट सूट सी मज़ेदार किस्म की। और जो है और इसमें आपको जो है बस ये कह सकते हैं कि बहुत ही जो है यूनिक और अलग किस्म से ये मूवी लग रही है। ट्रेलर को देखने के बाद आइडिया हो रहा है जैसे कि मनीष पॉल की जो मूवीज़ आती हैं या आई हैं तो वो हटकर और यूनिक और डिफरेंट होती हैं जिस हिसाब से, तो ये भी फिल्म बहुत हटकर यूनिक और डिफरेंट होगी और पसंद आएगी लोगों को और लोग इसको पसंद करेंगे। और जो है ट्रेलर बहुत हटकर और मज़ेदार किस्म का था और जो है अलग किस्म की कहानी है, हटकर कॉमेडी और बहुत ही मज़ेदार किस्म की। और
आई होप सो कि सबको पसंद आएगी और लोग इसको पसंद करेंगे और आप भी देखेंगे इस मूवी को। और जो है क्योंकि जो है कॉमेडी मूवीज़ जो होती हैं लोग बहुत शौक से देखते हैं और बहुत पसंद करते हैं, और जो डिफरेंट किस्म की कॉमेडी होती है जिस हिसाब से मूवी है तो वो फिल्में बहुत ज़्यादा अलग होती हैं और मज़ेदार किस्म की होती हैं। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ पहले देखा मूवी का ट्रेलर और उसमें मेरा रिएक्शन, उसके बाद हमने आपको दिया शॉर्ट रिव्यू इस फिल्म एंड इस ट्रेलर के हवाले से। अब आप भी हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं कि आपकी क्या राय है इस बारे में, हम आपकी राय के मुंतजिर हैं। और अब आप हमारी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें, कमेंट करना मत भूलें, शेयर करना मत भूलें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।